ग्राम पंचायत की बैठक कैसे आयोजित करें। किसी भी गांव की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। वो किसी समय असामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पहले ही नोटिस से देनी होती है। जिला पंचायत, राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जा सकती है। यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो ये बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई थी। ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि निर्धारित सदस्यों की संख्या उपस्थित नहीं होती है तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन। ग्राम पंचायत की बैठक के आयोजन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। अपने कार्यों को अमल में लाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित किया जाना जरूरी है। मुखिया जब भी उचित समझे तब या जब ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध हो तब ऐसा अनुरोध प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होता है। साधारण बैठक के लिए पूरे 7 दिन का नोटिस तथा विशेष बैठक के लिए पूरे 3 दिन का नोटिस जरूरी है जिसमें बैठक का स्थान, तिथि और समय तथा बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य सूची में शामिल होंगे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित सूची सरकारी पदाधिकारियों को दी जाएगी और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट पर लगाया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को नोटिस दिया जाता है वे तथा जिस क्षेत्र में बैठक आयोजित की गई है उस क्षेत्र के सरकारी पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही उस क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सरकारी पदाधिकारी को भी ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है किंतु उन्हें मत देने का हक नहीं होता। मुखिया यदि ग्राम पंचायत के सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक नहीं बुला पाते हैं तो उपमुखिया या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सभी सदस्य बैठक बुला सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव, मुखिया तथा उपमुखिया के द्वारा दिए गए मीटिंग के नोटिस की इत्तला सदस्यों को दें और बैठक बुलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर, लाउडस्पीकर से और ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या अन्य माध्यमों से आम जनता को दी जाना आवश्यक है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उपमुखिया करता है। ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति से पूरा होने का प्रावधान है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके बाद की बैठक बुलाने पर कुल सदस्यों की संख्या आधी यानी 2.5% की उपस्थिति होने का प्रावधान है। ग्रामीण भारत में विभिन्न समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, बाल विवाह, सफाई व स्वच्छता के अभाव आदि के समाधान में भी
ग्राम सभा महत्वपूर्ण योगदान देकर गाँव की सूरत बदल सकती है और ग्राम स्वराज के स्वप्न को अमली जामा पहनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ग्राम सभा की बैठकों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ही पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकती है। इसलिए ग्राम सभा के सभी सदस्यों को बैठक में हिस्सा लेना केवल उनका अधिकार ही नहीं परंतु उनका परम कर्तव्य भी है।